जनजातीय सप्ताह अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। कराहल ब्लॉक के ग्राम ढेगदा के अनुसूचित ब्लॉक छात्रावास पर अनुसूचित जनजाति सप्ताह अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात विधिक साक्षरता शिविर प्रारंभ किया गया, जहाँ शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार बंदील, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा, विधि स्प्रे से शुभम गोयल और वन परिक्षेत्र अधिकारी श्योपुर अजय वाजपेयी, वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव, पैरा लीगल वॉलेंटियर डॉक्टर भारत भूषण उपस्थित रहे। शिविर के प्रारंभ में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने निःशुल्क कानूनी सहायता, विवाद पूर्व समझौता, स्थायी लोक अदालत और लोक अदालत पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अंतर्गत विभिन्न जनउपयोगी और कल्याणकारी सेवाओं और उनके संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। साथ ही 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की भी जानकारी प्रदान की। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला श्योपुर के सचिव पवन कुमार बांदील ने विधिक शिविर में बताया कि सेवा में त्रुटि होने पर कैसे और कहाँ करें शिकायत। उन्होंने बताया कि किसी भी सेवा में संबंधित विभाग की ओर से सुनवाई नहीं की जाती और उसका परिवाद स्थायी लोक अदालत में पेश किया जा सकता है। वहीं बताया गया कि बाल विवाह ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिसमें हम सभी को मिलकर मिटाना है। उन्होंने विद्यार्थियों के अधिकारियों के साथ अन्य कानूनों में भी जानकारी दी। वहीं कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कड़ी मेहनत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय वाजपेयी ने अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान के साथ ही एकलव्य आश्रम में प्रवेश से लेकर उच्च शिक्षा हेतु वनवासी भाई बहनों के लिए संचालित योजनाओं को भी विस्तार से समझाए। इतना ही नहीं, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं को भी विस्तार से बताया गया। साथ ही वन प्राणियों की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित किया, जहां वृक्षारोपण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं, ग्राम टेंगदा में निवासरत आदिवासी महिला पुरुष और अनुसूचित जनजाति छात्रावास के प्रधान अध्यापक व शिक्षक गण उपस्थित रहे। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। आप लोगों के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं, कानून के क्या सामान्य प्रावधान हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कानून का एक सिद्धांत है कि तथ्य की मूल क्षम है, विधि की मूल क्षम नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। आज पूरी सड़क पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है, तो क्या वो ये कह के बच सकता है कि मुझे पता नहीं था कि थप्पड़ मारना एक दंडनीय अपराध हो सकता है, या किसी को गाली देना एक दंडनीय अपराध हो सकता है, किसी की हत्या करना एक अपराध हो सकता है, चोरी करना अपराध हो सकता है, क्या कोई ये कह के बच सकता है कानून से, पुलिस से बच सकता है? तो आपको पता है क्या कि हत्या का प्रावधान कहाँ पर है? हत्या की, जब हम हत्या का अपराध करते हैं तो हमें कितनी सजा मिलती है, इसकी जानकारी है आप लोगों को? नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि हत्या करना अपराध है, चोरी करना अपराध है ना, जो कुछ भी गलत हो रहा है समाज में वो सारी चीजें अपराध की श्रेणी में आती है। विधिक साक्षरता शिविर को लेकर अभी आपको हमारे विधिक साक्षर सहायता अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। उनमें से जो जानकारी दी गई वो कितने बच्चों को समझ में आई, हाथ खड़े करें। से पूछा जाएगा तो सब आंसर देने के लिए तैयार हैं? एक बच्चे खड़े कर पूछा था कि हम फॉर्म कहाँ से लें, राइट? अब आपके सामने आप फर्ज चौकीदार के पास गए, अब फर्ज चौकीदार ने फॉर्म लेने से मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है, अब आप कहाँ से लेंगे? नाकेदार ने भी मना कर दिया गांव में आपके। हाँ, फर्जमुंशी नाकेदार दोनों जो भी हैं उनसे आपने मांगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फॉर्म वाम नहीं है हमारे पास, अब कहाँ जाके मिलेंगे? रेंज में जाके मिले, वहाँ पे किसी कारण से नहीं मिल पाया कि वो बीच में गए हुए हैं, जंगल में गए हुए हैं, दो तीन बार गए नहीं मुलाकात हो पाई आपकी, अब आप परेशान तो हो रहे हैं ना भाई, गांव से शहर में आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, और वो तो अपनी ड्यूटी पे चले गए, अब आप वहाँ पे सुबह से शाम तक तो बैठे नहीं रहेंगे,
जिले में तो है ही, आप कहाँ पे वो भी नहीं मिलता है क्या? चलो मिल भी गया और तुमने कहा कि कुछ नहीं है, वहाँ के कर्मचारी का जाओ यहाँ से, कुछ फॉर्म नहीं मिलते तो चक्कर ही लगाते रहोगे, प्रश्न है ना? फिर चक्कर लगाते रहोगे नहीं लगाते रहोगे? जैसे ही हेल्पलाइन की शिकायत करोगे वहां तो भी कुछ नहीं हुआ, प्रश्न तो है, निराकरण हो नहीं पा रहा। फिर कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में अपील फीस लेगा, कार्रवाई करनी है तो अपील फीस चाहिए, तो फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी कैसे मदद करेगा? तो आपको फॉर्म दिलाने के लिए वकील मिलेगा। वन पर्चे श्योपुर में, वन परिक्षेत्राधिकारी श्योपुर, मेरा नाम अजय वाजपेयी है। जानना चाहूँगा कि जंगल किसका है, वन जंगल किसका है, आप लोग जानते हैं? हम लोग तो वन विभाग के हैं, तो जंगल किसका, हमारा है कि आप लोगों का? जंगल ये सब आप ही लोगों का है, जंगल में कौन रहते हैं? आदिवासी लोग ये दिखकर रहते हैं, है ना? आप ही लोग रहते हैं सब, कोई वहीं से यहाँ आए हो, पढ़ने आए हो बच्चे, और ये तो सभी यहाँ श्योपुर के आसपास का जितना भी एरिया है तो पूरा जंगल से आच्छादित है। ये जंगल आप ही लोगों का है, जंगल वन विभाग वालों का नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग में आप लोग ये बैठा लें कि जंगल हमें हमारा है, हम ही को उनकी रक्षा करना है, उसमें वन और वन्य प्राणियों की भी रक्षा करना है ना? तो जंगल तो पहली बात किसी को काटने नहीं देना है ना? सर्वप्रथम जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, आपका जंगल है और आप ही की जिम्मेदारी है हमको जंगल बचाना है ना? तो अपन तो सबसे पहले ये प्रण करें कि हमको जंगल कटने से बचाना है और उस जंगल में रहने वाले जितने भी वन्य प्राणी हैं, ठीक है ना, उनकी रक्षा करनी है। उनका अगर कोई शिकार करता है वो उनको पकड़वाना है,